Asalaamu As Alaikum, students. I am your teacher Shimra, and this is your English Grammars lecture. We are going to start unit number 6 personal pronouns. So, this is page number 39. Write date and day. The date is 27th June 2020. C.W. for classwork, and the day is Saturday. Personal pronouns. प्रोनाउंस आर आर वर्ड्स विच आर यूज विच आर यूज इन स्टेड ऑफ नाउन विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन जो भी वर्ड्स नाउन की जगह किसी दूसरे सेंटेंस में यूज हों वो प्रोनाउंस होते हैं तो पर्सनल प्रोनाउंस मीन्स जो किसी बंदे के नाम की जगह यूज हों ओके okay, okay, जो किसी एक इंडिविजुअल के नाम की जगह यूज हों लुक एट द पिक्चर रीड द स्टोरी बिलो इस पिक्चर को देखें और स्टोरी पढ़ें पिक्चर में कौन कौन है मिस्टर फिनले Mrs. Finlay, ओके okay? Albert, जेन एंड लिंडा Albert इज़ my फ्रेंड Albert मेरा दोस्त है आई लाइक हिम वेरी मच मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ I एंड हिम अब Albert के नाम की जगह हमने हिम लगा दिया तो ये pronoun हो गया और मैंने क्या अपना नाम लिया नहीं अपने नाम की जगह मैंने I बोल दिया तो ये भी पर्सनल pronoun हो गया वी स्टडी इन द सेम स्कूल हम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं वी क्या मैंने वी के हम दोनों का नाम लिया नहीं ना हमने हम मैंने हम दोनों के नाम की जगह वी यूज़ किया तो ये भी प्रोनाउन हो गया पर्सनल प्रोनाउन ही हैज़ टू सिस्टर्स उसकी दो सिस्टर्स हैं तो ही प्रोनाउन क्योंकि अल्बर्ट का नाम तो नहीं यूज़ हो रहा ना अल्बर्ट के नाम की जगह हम ही यूज़ करें दे आर लिंडा एंड जैन और उसकी दोनों सिस्टर्स का क्या नाम है लिंडा एंड जैन सिस्टर्स के नाम हमने लिए क्या सिस्टर के नाम की जगह हमने दे बोल दिया He likes to play with them. वो उनके साथ खेलना पसंद करता है He is personal pronoun and them is personal pronoun. Albert's father, Mr. Finlay, is a businessman. Albert एल्बर्ट के फादर जो हैं मिसटर फिनले वो एक बिजनेस मैन है ही वर्कस इन अ बैंक वो एक बैंक में काम करते हैं सो ही ही इज़ अ पर्सनल प्रोनाउन बिकॉज इट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ मिसटर फिनले हिज़ मदर मिसिस फिनले इज़ अ हाउस वाइफ़ और उसकी मदर मिसिस फिनले वो हाउस वाइफ हैं शी लुक्स आफ्टर द फैमिली वो अपनी फैमिली का ख्याल रखती हैं शी शी इज़ यूज इन प्लेस ऑफ मिसेज़ फिनले शी मिसिस फिनले की जगह यूज़ हुआ तो ये भी एक पर्सनल प्रोनाउन है एल्बर्ट ऑल्सो हैज अ पेट कैट एल्बर्ट की एक पैट कैट है इट इज़ वेरी प्लेफुल और वो कैट की जगह हमने क्या यूज़ कर लिया हम ये भी बोल सकते थे ना द कैट इज़ वेरी प्लेफुल बट वी इंस्टेड यूज इट सो इट इज़ ऑल्सो पर्सनल प्रोनाउन इट इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मी और उसको मैं बहुत पसंद हूँ इट और मी मैंने अपने नाम की जगह मी लिख दिया ओके okay? तो ये सारे हमारे पर्सनल प्रोनाउंस पर्सनल प्रोनाउंस एनी प्रोनाउन विच इज़ यूज इंस्टेड ऑफ एनी पर्सन ओके एनी इंडिविजुअल इंस्टेड ऑफ़ नेम ऑफ एनी पर्सन और इंडिविजुअल इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन सो नंबर सो नेक्स्ट इज़ पेज नंबर फोर्टी The personal pronouns I, he, she, it, we and they are used as subjects in the sentence. कोई भी uh, personal pronouns जो होते हैं वो किसी भी sentence में subject के तौर पर use होते हैं The personal pronouns me, him and them are used as object in the sentence. Okay, what is a subject and what is an object? Subject means any doer of the verb. ऐसा ऐसा बंदा जो कर, कोई काम कर रहा हो ठीक है An object means जिस पर काम हो रहा हो like कैट ईट्स मीट कैट जो है वो मीट खाती है तो कैट काम कर रही है और मीट मतलब कैट जो है वो ईट्स जो है वो वर्ब है तो कैट वर्ब पर फॉर्म करिए तो कैट होगी सब्जेक्ट और मीट हो गया ऑब्जेक्ट क्योंकि इस पे वर्ब अप्लाई हो रहा है एक्शन एक्शन कैट परफॉर्म कर रही है एक्शन क्या है ईट्स ठीक है वर्ब क्या है ईट्स कैट ईट्स एक्शन परफॉर्म कर रही है और वो कहाँ तक जा रहा है मीट तक किस कैट क्या खा रही है मीट तो मीट क्या हो गया ऑब्जेक्ट और कैट क्या हो गया सब्जेक्ट आई ही शी इट वी दे ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और मी हिम और देम आई यूज एज ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस ओके पर्सनल प्रोनाउंस टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं वो नाउन की जगह यूज होते हैं और पर्सनल प्रोनाउन कैन बी द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट भी हो सकते हैं ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं अब आप जरा देखें he likes to play with them जरा इस सेंटेंस पे आ जाए ओके पेज नंबर थर्टी नाइन पे ही मीन्स ही लाइक्स इसमें वर्ब क्या हो गया लाइक्स वो पसंद करता है ये वर्ब हो गया तो ही परफॉर्म कर रहा है एक्शन तो ही हो गया सब्जेक्ट लेकिन टू प्ले ही लाइक्स टू प्ले विदेम वो किससे किसके साथ खेलना पसंद करता है देम मतलब उनके साथ तो ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है और जो काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है ओके नाउ वॉट

वो मलेशिया में रहते हैं तो लड़के हैं तो ही यूज होगा आई एंड यू एम अ डॉक्टर माई ड्यूटी इज टू ट्रीट सिक पीपल मैं एक डॉक्टर हूँ मैं के लिए क्या यूज होगा एम यू एम अ डॉक्टर डज इट मेक एनी सेंस नो आई एम अ डॉक्टर डज इट मेक एनी सेंस यस इट डज सो आई एम अ डॉक्टर सू एन जो एंड जो आर ट्विंस सू एंड जो ट्विंस हैं डैश आर फोर ईयर फोर ईयर ओल्ड वो चार साल के हैं दे या वी वी का मतलब होता है हम दे का मतलब होता है वो वो की बात हो रही है तो दे आर फोर इयर्स ओल्ड जॉन इज वेरी हेल्पफुल जॉन बहुत हेल्प करने वाला है मदद करने वाला है आई लाइक हिम और हर वेरी मच जॉन लड़का है लड़के के लिए क्या यूज होगा हिम जोसेफ एंड आई आर क्लासमेट्स जोसेफ और मैं क्लासमेट्स हैं मीन्स हम कौन है क्लास फेलोज हैं दे और वी गो टू स्कूल टुगेदर अब जहाँ पर आए आ जाता है वहाँ पर मीन्स हम हम की बात हो रही है ठीक है तो दे का मतलब है वो और वी का मतलब है हम तो हम स्कूल इकट्ठे जाते हैं वी गो टू तो स्कूल टुगेदर आई कैन नॉट डू दिस अलोन विल यू हेल्प मी और विल यू हेल्प आई मैं ये अकेले नहीं कर सकती क्या आप मेरी हेल्प करेंगे विल यू हेल्प आई होता है विल यू हेल्प मी होता है जस्ट यूज़ योर ओन ब्रेन यूज़ योर ओन सेंस विल यू हेल्प मी ओके वेयर इज़ पीटर मदर इज़ लुकिंग फॉर हिम और हर पीटर लड़का है तो लड़के के लिए हिम यूज़ हो गए या हर लड़के के लिए हमेशा हिम यूज़ होता है मदर उसको ढूंढ रही हैं द टीचर इज़ लुकिंग फॉर मैरी हैवियो सीन हर और देम टीचर जो है वो मैरी को ढूंढ रही है मैरी एक लड़की है देम का मतलब है उनको हर का मतलब है उसको लड़की के लिए यूज होता है तो हैवियू सीन हर जो एंड आई आर वेरी हेल्पफुल इन स्कूल द टीचर लाइक्स डैश वेरी मच जो और मैं बहुत हेल्पफुल स्कूल में बहुत हेल्प करते हैं तो टीचर हमें पसंद करती है हमें पसंद करती है हमें के लिए क्या यूज़ होगा हिम या अस अस ओके वेर आर द स्टूडेंट्स आई सॉ हिम और दैम इन द इन द हॉल ऑन एन गो स्टूडेंट्स कहाँ हैं मैंने उन्हें देखा था हॉल में एक घंटे पहले उन्हें उनको तो देम हिम का मतलब है लड़का एक लड़के के लिए यूज होता है हिम और देम मीन ज्यादा लोगों के लिए जॉन इज़ वेरी हैप्पी जॉन बहुत खुश है हिज़ फादर इज टेकिंग डैश टू द ज़ू उसके फादर से जू लेके जा रहे हैं हिज फादर इज टेकिंग ही टू द जू और टेकिंग हिम टू द जू हिम का मतलब है उसको ही का मतलब है वो तो उसको उसको के लिए क्या यूज़ होगा हिम यू आर लेट अगेन आप दोबारा से लेट हो गई हैं द टीचर विल सर्टनली पनिश यू और मी आप लेट हुए हैं तो सजा भी आपको मिलेगी यू आर लेट देन ओनली यू विल गेट पनिश ठीक है तो द टीचर विल सर्टनली पनिश यू टीचर आपको पनिश कर देंगी सो दिस वर्स एक्सरसाइज नंबर ट्वेल्व एंड एक्सरसाइज नंबर थर्टीन इज़ फॉर योर होमवर्क I hope you get this exercise. If you don't understand any sort of any uh, any blank or anything, then you can ask me in the group. I will be surely answering you. This was your topic of personal pronouns. It was uh, not that easy and neither n neither too much difficult. Okay, na easy tha, na difficult tha. But you just have to make your. You just have to see the. दैट वाट वर्ड मेक्स सेंस ओके कौन सा वर्ड जो है वो सेंस कर रहा है कौन सा वर्ड सुटेबल लग रहा है आपको ओके ना टेक केयर ऑफ़ योर सेल्वस अल्लाह हाफि